बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों आदाब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको ज़ुकाम, नज़ला, खांसी और छींके आना, इसकी दवा बताने जा रही हूँ। ये दवा हम अपने ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं, इससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप देखेंगे कि इसको एक बार इस्तेमाल करने से ही आपको बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसको कम से कम 3 दिन इस्तेमाल करने से बहुत फ़र्क महसूस होगा। इसको निहार मुँह लेना है और सोते वक्त लेना है। ये एक हकीमी नुस्खा है, हमको किसी ने बताया था तो हमको फ़ायदा हुआ। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें, जिससे आपको भी फ़ायदा हो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। मौसम बदलने के साथ ज़ुकाम, बुखार, खांसी, छींके आना, ये एक आम बात है। आप ये घरेलू नुस्खा आजमा कर देखिए, आपको फौरन आराम मिलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले देखिए, ये उन्नाब है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये फेफड़ों को ताकत देता है। अगर हमारे फेफड़ों पर कफ जमा है तो उसको भी ये दवा निकाल देती है। ये ज़ुकाम, बुखार, खांसी को तो दूर करती ही है। ये सपिस्तान है, ये लसोड़े का बीज होता है। ये लसोड़े का बीज होता है, ये भी कफ निकालने का काम करता है और ज़ुकाम खांसी में भी इससे फ़ायदा होता है। ये पिपली है, इसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का गुण होता है, मतलब इम्यूनिटी पावर इससे बढ़ती है। ये शहतूत की तरह होता है, जैसे काले या भूरे रंग का होता है, काले भी होते हैं ये और भूरे कलर का भी होता है। ये भी सपिस्तान है, कांटेदार पत्ता, ये कांटेदार पत्ता होता है, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। इस दवा को बनाने के लिए हमने 3 उन्नाब इसमें लिए हैं, 5 सपिस्तान ये लिए हैं, और ये कांटेदार जो पत्ता है ये हमने 2 से 2.5 ग्राम लिया है, और पिपली का एक ये छोटा टुकड़ा लिया है। और इसमें अब हम 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें हम 1 गिलास ये पानी डाला है हमने। अब इसको हम गैस पे रख के पकाएंगे अच्छे से। जब ये पकने लगेगा तो इसको स्लो आंच, धीमी आंच पे रख देंगे, धीमी आंच पे पकने देंगे। जब ये पानी आधा रह जाएगा तब हम इसको छान के इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए पक रहा है धीमे धीमे। जब ये खोलने लगेगा अच्छे से तब बिल्कुल बिल्कुल स्लो आंच पे रख के हम पकाएंगे। जब तक देखेंगे आधा पानी जब हमारा रह जाएगा तब तक इसको हमें पकाना है। ये घरेलू नुस्खा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अंग्रेज़ी दवाइयों में ये ऐसा है कि अगर हम ज़ुकाम की कोई भी दवा खा लेते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है और सर भारी भारी होने लगता है। तो उससे ये है कि आप वैसे वक्ती तौर पर फ़ौरन फ़ायदा तो वो करती है, लेकिन अगर आपको जड़ से फ़ायदा करना है तो आपको ये नुस्खा आज़माना होगा। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आजमाइएगा, तो आपको इसका फ़ायदे पता चलेंगे, फ़ायदा समझ में आएगा, फिर आप इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब ये खोलने लगा है, इसको हम बिल्कुल स्लो कर देंगे धीमी आंच पे। अब गैस हमने बिल्कुल स्लो कर दी है, इसमें धीमे धीमे में ये पकता रहेगा। लगभग आधा पानी जब हो जाएगा तब तक इसको पकने देना है। अब इसका पानी लगभग आधा रह गया है, इसको हम छान लेंगे। इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता है, कड़वा भी नहीं होता है, आराम से आप पी सकते हैं। अब इसको हम छान लेते हैं। इसको छान लेते हैं हम। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, शहद मिला के आप पी सकते हैं। और अगर आपको शुगर है तो आप शहद बिल्कुल नहीं मिलाइएगा।
इंशाअल्लाह ताला आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। फिर आप हमको दुआ दीजिएगा, आपकी दुआ ही हमको चाहिए। और अगर आपको ये पसंद आए और आपको फ़ायदा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करिए और शेयर करिए।